नमस्कार, मैं स्नेहा मॉडल पब्लिक हाई स्कूल पैडू से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन आपको योग के फायदे बताना चाहती हूँ। सबसे पहले योग। योग संस्कृत भाषा की युष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है योजन या जुड़ना। योग सर्वप्रथम भारत से ही शुरुआत योग की शुरुआत सर्वप्रथम भारत से ही हुई थी और इसमें महर्षि पतंजलि का बहुत बड़ा हाथ है। अब हम योग के फायदे देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग हब, अर्थात इससे हमारा हृदय बहुत ही मजबूत होता है और हमारे हृदय के रोग दूर होते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस, इससे हमारा मानसिक तनाव दूर होता है और इससे हमारा मानसिक तनाव दूर होता है। बेटर स्लीप, अर्थात इससे जिन लोगों को नींद न आने की समस्या होती है नियमित योग करने से उनकी ये समस्या दूर हो जाती है। बूस्ट इम्यूनिटी, इससे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम रोग से मुक्त होते हैं। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, अर्थात इससे हमारा ध्यान केंद्रित होता है। जैसे जो बच्चे पढ़ाई करते समय पढ़ाई के बारे में उसमें ध्यान नहीं लगा पाते उनके लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो योग नियमित रूप से करेंगे तो वो अपना ध्यान एक जगह केंद्रित कर पाएंगे। मसल एंड पर्ल्स, इससे हमारे मांसपेशियां मजबूत होती है और हमारा रक्तचाप बना अच्छे तरीके से बना रहता है। ब्रेन फंक्शन, इससे हमारे दिमाग के कार्य होते हैं वो अच्छी तरह से होते हैं और हमारा दिमाग मजबूत होता है। इम्प्रूव मूड, योग करने से नियमित रूप से योग करने से हमारा मूड हमेशा अच्छा रहता है और हम अपने आप को हमेशा तंदुरुस्त महसूस करते हैं। और जैसा कि हमारी भगवत गीता में भी योग के बारे में लिखा गया है, योग इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ, अर्थात योग स्वयं की स्वयं के द्वारा स्वयं तक की यात्रा है। धन्यवाद। योग करें, नियमित करें और स्वस्थ रहें।